आपको बॉलीवुड के ज्यादातर एक्टर और एक्ट्रेसेस के बारे में तो जरूर पता होगा, पर क्या आप ये जानते हैं कि बॉलीवुड के पहले एक्टर कौन थे? तो आज हम आपको लेकर जा रहे हैं काफी पीछे, जहां पर बॉलीवुड की शुरुआत हुई थी। इंडियन फिल्म हिस्ट्री से मैं भूपेंद्र आपका स्वागत करता हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ 3 मई 1913 की, जब भारत में मनोरंजन का नजरिया बिल्कुल बदलने की शुरुआत ही हुई थी और भारत में पहली बार एक पूरी लेंथ वाली फीचर फिल्म जिसका नाम राजा हरिश्चंद्र था, जो कि 40 मिनट तक चली और जिसकी शुरुआत के बाद बहुत सारी फिल्में लगातार बनती चली गई। राजा हरिश्चंद्र को डायरेक्ट, प्रोड्यूस और स्क्रीन राइटिंग ढूंढी राज गोविंद फाल्के ने किया था, जिन्हें हम आज दादा साहेब फाल्के के नाम से भी जानते हैं। और वास्तव में उन्होंने अपने खुद की बचाई हुई सभी सेविंग्स को इस फिल्म को बनाने में लगा दिया था। भारत के जितने भी कास्ट और क्रू है, सबके साथ देने पर इस फिल्म को बनाया गया था। इस फिल्म को पहली बार कोरोनेशन सिनेमा मुंबई में रिलीज किया गया था। वैसे तो इस फिल्म से जुड़ी हुई बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे उस एक्टर के बारे में जिसने फिल्म राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली साइलेंट फिल्म में अभिनय किया था। वो महान एक्टर थे दत्ता राय दामोदर दबके। उनका जन्म महाराष्ट्र के आसूद में हुआ था। वो पहले ऐसे एक्टर थे जिन्होंने भारत की एक फुल लेंथ साइलेंट फीचर फिल्म में अभिनय किया था। फिल्म राजा हरिश्चंद्र पुरानी कथा महाभारत से जुड़ी हुई कहानी से ली हुई है, इसीलिए लोगों ने उसे बेहद पसंद किया और दर्शकों ने बहुत प्यार भी दिया। उसके बाद उन्होंने 3 और फिल्मों में अभिनय भी किया था और आगे चलकर दत्ता राय दामोदर दबके डायरेक्टर और सिनेमाटोग्राफर बने। एक और दिलचस्प बात ये है कि उन्होंने साल 1924 में राजा हरिश्चंद्र की रीमेक को भी डायरेक्ट किया था। वो भी एक साइलेंट फिल्म ही थी, जिसके बारे में अगर हम इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो कुछ खास रिकॉर्ड्स नहीं मिलते। ऐसी ही और खास जानकारी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मुलाकात होगी फिर किसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। ऐसी ही और बॉलीवुड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।